नमस्कार दोस्तों, सावन के सोमवार का व्रत तीन प्रकार की स्त्रियों को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और नहीं उनको फायदा नहीं नुकसान ही ज़्यादा हुआ। वो तीन प्रकार की कौन कौन सी स्त्रियां होती हैं उसकी जानकारी देंगे। तो कर लें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा लें जिससे और भी जानकारी आपको बराबर मिलती रहे। नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा तो आप जानकारी अधिक से अधिक चैनल पर देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सावन एक पवित्र महीना होता है जो कि भोले बाबा का प्रिय महीना है और सावन के समय में आप ज़्यादातर सोमवार का व्रत रहते हैं, स्त्री भी रहती हैं, पुरुष भी रहते हैं, तमाम प्रकार से उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। तो आप जानते हैं कुछ लोग कांवड़ ला करके गंगा जल भी चढ़ाते हैं, कुछ लोग जल में गंगा जल डाल के भी चढ़ाते हैं, तमाम फल फूल या बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। लेकिन आपको पता है कि भगवान भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ है बेलपत्र है, धतूरे के फूल हैं, सफ़ेद पीले या धतूरे का फल, या इसके अलावा गाय का कच्चा दूध अगर आप चढ़ाते हैं सोमवार के दिन तो बेहद ही महादेव को प्रिय होता है। और ऐसी पूजा अर्चना करने से आपको अनेकों प्रकार के लाभ भी मिलते हैं जो कि भोलेनाथ की कृपा के आप पात्र हमेशा बनते हैं। तो भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए हम तमाम प्रकार से व्रत भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, कुछ लोग शिव चालीसा भी पढ़ते हैं। सुबह जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ा के आएंगे या उनका सारे दिन व्रत रखेंगे, व्रत भी अच्छे नियम से रहते हैं। पर लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका अगर नियम नहीं आपको पता है तो आपको ध्यान दे के समझना चाहिए कि सोमवार का व्रत अगर आप रखते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं तो पूर्ण ब्रह्मचर्य से करें, स्त्री हो या पुरुष हो। अगर आप पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहते हैं, व्रत रहते हैं सोमवार का, तो आपको अनेकों प्रकार के लाभ भी मिलते हैं। अगर आपका व्रत नियम भंग होता है, ब्रह्मचर्य से आप नहीं रहते हैं या उसके अलावा कुछ गलतियां आप करते हैं, जैसे कि सोमवार के दिन लहसुन प्याज खाना या किसी भी प्रकार का मीट मदरा का सेवन करना, इस प्रकार की अगर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो भूल से भी आपको व्रत नहीं रहना चाहिए, नहीं आपको फ़ायदा कम होगा नुकसान ज़्यादा होगा। क्योंकि दोस्तों भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं और जल्दी क्रोधित होने वाले भी देव हैं। तो इनका जब क्रोध ज़्यादा इनका आता है तो फिर ये पता नहीं किसको अपने क्रोध के शिकार में ले लें। लेकिन आप गलती करेंगे तभी आप क्रोध के शिकार हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं। तो वो ऐसी गलतियां करने वाली ज़्यादातर आप देखते हैं कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं सोमवार व्रत या पूजन करती हैं। तो ऐसी तीन प्रकार की स्त्रियाँ भूल से भी व्रत न करें। और वो तीन प्रकार की महिलाएं होती हैं, पहली तो गर्भवती महिलाएं। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं तो सोमवार का सावन में व्रत न रहें, क्योंकि उनमें गर्भ में जो भी बच्चा है वो आपके आप परेशानी में पड़ सकता है या उसको आगे कोई समस्या भी हो सकती है, आप इतना समझ सकते हैं। तो गर्भवती महिलाओं को सावन के सोमवार का व्रत नहीं रहना चाहिए। और जो दूसरी तरह की स्त्रियाँ होती हैं, जैसे कि किसी ने अपनी मर्जी से शादी की है या लव मैरिज की है या किसी भी प्रकार की हिंदू परंपरा के अनुसार उन्होंने शादी नहीं की है, रीत रिवाज से शादी नहीं की है, तो ऐसी महिलाओं को भी व्रत पूजन नहीं करना चाहिए, नहीं उनको फ़ायदा नहीं होगा नुकसान ही होगा और अनेकों प्रकार की परेशानियों से उन्हें सामना करना पड़ेगा। क्योंकि भोलेनाथ क्रोधित हो जाएंगे तो उनका फल आपको पता है कैसा मिलता है, क्योंकि जल्दी क्रोध आने वाला उनको ऐसी समस्या होती है। तो इस प्रकार की दो प्रकार की स्त्रियां हो गई। और तीसरी प्रकार की स्त्रियां होती हैं लड़ाई झगड़े करने वाली, अपशब्द बोलने वाली या उल्टे सीधे शब्द बोलने वाली, उल्टी सीधी संगत में रहने वाली, इस प्रकार की जो महिलाएं होती हैं वो उन व्रत रहें या ना रहें उनका कोई मतलब नहीं है, उनको किसी न किसी समस्या से और ग्रसित होना पड़ेगा। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए नियम ब्रह्मचर्य से ही करना चाहिए और इससे आपको कुछ फ़ायदा मिले, ऐसा ना है कि उनके क्रोध के शिकार हो जाएं और आप बर्बाद भी हो जाएं। तो भोलेनाथ
की कृपा पाने के लिए इन बातों का विशेष ध्यान दें। और इस प्रकार की तीन तरह की जो महिला हैं वो भूल से भी व्रत ना रखें और न ही आपको समस्याओं से ग्रसित होना पड़ेगा। अनेकों व्याधियों समस्याओं से परेशानियों से आप ग्रसित हो जाएंगे, फिर आपको कोई व्रत ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि इस प्रकार की महिलाओं को व्रत नहीं रहना चाहिए। अगर रहना है तो नियम ब्रह्मचर्य से रहें। तो हमें आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें।